हेलो एवरीवन, मी एंड माय किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की रोटी और बेसन की पूड़ी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप ज़रूर ट्राई करें इसे अपने किचन में। तो इसके लिए लिया मैंने एक कटोरी या जितनी आपको ज़रूरत हो बेसन। उसके बाद मैंने लिए कुछ रेगुलर मसाले जैसे सौंफ, हरी धनिया, लाल मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, अजवाइन, मंगरेल और सौंफ। अजवाइन, मंगरेल और सौंफ ये तीनों ही डालें, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। फिर मैंने लिया हल्दी और नमक। हल्दी चुटकी भर डालेंगे सिर्फ कलर के लिए। तो मैंने यहाँ बेसन को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। बेसन आपको जितनी चाहिए उतनी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद एक एक करके हम सारे इन्ग्रीडियंट्स बेसन में डाल देंगे। कसूरी मेथी ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसके बाद मैं इन मसालों को बेसन में मिक्स करने के बाद एक बड़े थाली में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैंने डाल दिया यहाँ नमक, हल्दी और साथ ही डालेंगे 2 चम्मच के करीब सूजी। सूजी आप लेना चाहें तो डालें, इससे लेकिन बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। इन सबको मिक्स कर लें। मैंने बड़े बर्तन में डाल लिया है, इससे आपस में मिक्स करने में सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत सुविधा हो जाती है। अब मैंने डाला है 1 चम्मच के करीब घी। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ध्यान रहे आप मेल्ट ज़रूर कर लें। अब मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी लिया है। इसके लिए ना तो बहुत ठंडा पानी लेना है और ना ही गुनगुना पानी लेना है। उस नॉर्मल पानी से ही हम आटे की तरह ही इसका भी डो बना के तैयार करेंगे। अब आटा लगभग रेडी हो गया है। इसको मैंने दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र करके 30 मिनट के लिए ढक दिया है। अब मैंने एक छोटी सी लोई ली है, इसका मैं पहले पूड़ी बना के आपको दिखाऊँगी। इस पर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया, अब इसको मैं बेल लूँगी। पूड़ी भी इसकी बहुत अच्छी लगती है, एकदम क्रिस्पी बनती है, तो आप पूड़ी ज़रूर ट्राई करें बेसन की। घी मैंने गर्म कर लिया था, अब मैंने पूड़ी इसमें डाल दी। डालते वक्त ध्यान रहे तो साइड से थोड़ा करके डालें, बीच से ही ना डालें, नहीं तो तेल के छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं। अब हल्का सा बीच में इसको छू देंगे स्पैटुला से, तो ये फूल जाती है। दोनों तरफ से टर्न कर लीजिए। लीजिए, तैयार हो गई है ये क्रिस्पी पूड़ी। तो अब मैं आपको रोटी बना के दिखाती हूँ। रोटी के लिए आटा थोड़ा ज़्यादा लेंगे, इस तरीके से बेलें, हल्के हाथों से बेलें। बेसन की रोटी थोड़ी मोटी रहने पे ही अच्छी लगती है। तवे पे हम डाल देंगे रोटी मेरी, एक साइड से हो चुकी है, तो देखिए ये तवे को छोड़ देगी इस तरीके से। दूसरी साइड भी हम पलट देंगे। जब दूसरी साइड से हो जाए तो रोटी को उतार के इस तरीके से घुमाते हुए सेंकना है। इस तरीके से खड़ी कर लें और चिमटे की सहायता से इस तरह घुमाते हुए रहें, इससे सारे कोने उसके अच्छे से सिक जाएंगे रोटी के। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है रोटी, क्रिस्पी एकदम है। तो लीजिए, तैयार है मेरी बेसन की रोटी और बेसन की पूड़ी। इसे मैंने छोले और करौंदे के अचार के साथ सर्व किया है। करौंदे के अचार का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।